नमस्ते, शैला किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम मूली पराठा बनाने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। दो छिले हुए मूली लेंगे, मूली को कद्दूकस कर लेंगे। इस तरह कद्दूकस कर लेंगे। मूली से सारा पानी निचोड़ लेना है। इस तरह पानी निकाल लेंगे। डेढ़ कप गेहूं का आटा लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। एक चम्मच तेल डालेंगे। सभी चीज़ों को मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गून लेंगे। आटे को अच्छे से गून लेना है। थोड़ा तेल डालेंगे, आटा गून लेंगे। पराठे का आटा तैयार है, ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। कढ़ाई लेंगे पराठे की स्टफिंग बनाने के लिए। एक चम्मच तेल डालेंगे। एक कटा प्याज डालेंगे। प्याज भून लेंगे। डेढ़ चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे। सभी मसालों को अच्छे से भून लेना है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और अच्छे से भून लेंगे। कद्दूकस किया हुआ मूली डालेंगे और मसाले के साथ मिला लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और मिला लेंगे। दस मिनट ढककर पका लेंगे। मूली की स्टफिंग तैयार है। स्टफिंग को निकाल के ठंडा करने के लिए रख देंगे। पराठा तैयार कर लेंगे। आटे की लोई बना लेंगे। सूखा आटा लगा के बेल लेंगे। रोटी का जैसा बेलना है। रोटी के बीचों बीच मूली की स्टफिंग डालेंगे। इस तरह रोटी को बंद कर लेंगे।
अच्छे से दबाकर बंद कर लेंगे। पराठे को सूखा आटा लेके बेल लेंगे। इस तरह मूली का पराठा तैयार है। इस तरह सभी पराठे तैयार कर लेंगे। मूली पराठे तैयार है, अब सेक लेंगे। तवा गरम कर लेंगे। पराठे को तवे पे डाल देंगे। पराठे को तेल लगा लेंगे। पराठे को अच्छे से सेक लेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। पलट पलट के सेक लेंगे। मूली का पराठा तैयार है, सर्व करेंगे। दही के साथ, सॉस के साथ खा सकते हैं। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।